Good morning, students. Today I am going to explain you something about use of definite articles. जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आज मैं आपको नया एक वीडियो बनाऊंगा. कल हमने आपको इनडेफिनिट आर्टिकल्स के बारे में बता दिया था. आज हम लोग बात करेंगे डेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट इसमें कहीं ना कहीं कन्फ्यूज हो जाते हैं. तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए बेहतर वीडियो रहेगा. एंड इसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे, इसमें आपको बताएंगे कि नोट मेकिंग बनाया कैसे जाता है. ठीक है, नोट मेकिंग में आपको किस तरह के पॉइंट लेने पड़ते हैं, शॉर्ट अपनी समरी बनानी पड़ती है, जो आपको पैसेज दिया होता है उसके बारे में बताएंगे. लेकिन आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ कुछ पॉइंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. चलिए शुरू करते हैं. यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल्स, दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ आर्टिकल. ठीक है, हम लोग सेकेंड पार्ट के बारे में बात करें. ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ जो डेफिनेट आर्टिकल्स होता है वो क्या होता है, द. क्या होता है, द. क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग कई बार आप लोगों को बता चुके हैं कि जो द यूज होता है इसको हम लोग एक स्पेशलिटी के लिए यूज करते हैं, यानी कि डेफिनेट है, निश्चित है वो चीज़, तो ही हम लोग द का यूज़ करते हैं. और अगर कोई चीज़ निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, इनडेफिनेट है, सो वी आर गोइंग टू यूज ए और एन. इसको मैं आपको कल बता चुका हूँ. मैंने आपको एक चीज़ और बताई कि बहुत से बच्चे इसको दी बोलते हैं और बहुत से बच्चे इसको द बोलते हैं. उसका मैंने आपको तरीका बता दिया था. टी तब बोला जाएगा जब वॉवल से रिलेटेड कोई भी प्रोनंसिएशन का पहला अक्षर, ठीक है, पहला अक्षर अगर उसका उच्चारण निकलता है, प्रोनंसिएशन निकलता है तो ही हम लोग दी बोलेंगे, अगर नहीं निकलता है तो हम लोग द बोलेंगे. दी एलिफेंट, दी एंट, दी एमएलए, दी एफओ, इस तरह से अगर हम बात करें. ठीक है, चलो नंबर वन ट्रेन की बात करते हैं. द इज यूज बिफोर सीरीज ऑफ माउंटेन्स. जो द होता है, द का यूज हम लोग क्या करते हैं, सीरीज ऑफ माउंटेन भी यूज करते हैं. अब सीरीज ऑफ माउंटेन जैसे हमने अगर बात कर ली है तो आप देखेंगे ये लिखा हुआ है द हिमालय, द हिमालयास, वो क्या नहीं होते द हिमालयास, तो क्या हो गया, ये एक पहाड़ हो गया. ठीक है, जो जितने बड़े बड़े जो पहाड़ होते हैं उनके लिए हम लोग द का यूज कर लेते हैं. ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करेंगे यहाँ पर बताएगा इफ या फिर इट इज नॉट यूज बिफोर पीस ऑफ माउंटेन. लेकिन फिर द है ना, द को हम लोग पीस ऑफ माउंटेन के लिए यूज नहीं करते, इसके पीक ऑफ माउंटेन के लिए यूज नहीं करते. जैसे माउंट एवरेस्ट के लिए सीधे सीधे हम यूज करेंगे माउंट एवरेस्ट, क्योंकि हम लोग बोलते हैं ये एक पीक है, ठीक है, एवरेस्ट की चोटी माउंट. ठीक है, तो इसके लिए हम लोग द का यूज नहीं करने वाले. नेक्स्ट, द इज यूज बिफोर रिवर्स. आपके रिवर्स जितने भी हैं उनके लिए द का यूज किया जाता है. जैसे द गंगा हो गया, ठीक है, क्या हो गया, द गंगा हो गया, द कोशी हो गया. लेकिन अगर हम उसी नदी के पहले किसी शहर का नाम दे देते हैं तो वहां द का यूज नहीं किया जाएगा. इफ वी आर गिविंग अ नेम ऑफ मीन सिटी बिफोर द रिवर सो वी विल नॉट यूज द. फॉर एग्जाम्पल क्रिस्टोन ऑन थेम्स, थेम्स थेम्स नदी होती है. ठीक है, तो एक क्रिस्टोन का नाम दे दिया, इट इज अ प्लेस, दिस सिटी नेम, सो हम लोग वहां द का यूज नहीं करेंगे. समझ में आ रहा है आपको. चलिए थर्ड पॉइंट है कि द इज यूज बिफोर सी, ओशियन, समुद्र के लिए, ओशियंस के लिए, बे इन गल्फ के लिए. ठीक है, इनके लिए हम लोग द का यूज करते हैं. जैसे कि यहाँ दी ओर द पैसिफिक ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, द पैसिफिक ओशियन आपका क्या हो गया ना, तो ये आपका इट्स गोइंग टू बी योर ओशियन, सो हम द का यूज कर सकते हैं. द
रेड सी समुद्र हो गया, उसके लिए भी हम लोग दा का यूज करते हैं। ठीक, दिस यू रिमेंबर वेरी गुड। अब यहाँ देखो बिफोर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, जितने भी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, जैसे द अंडमान निकोबार हो गया, द अंडमान हो गया, द निकोबार हो गया, हो गया, इन सब के लिए हम लोग दा का यूज करते हैं। बट जैसे जावा हो गया, सुमात्रा हो गया, ठीक है, इन वर्ड्स के लिए, इन लोगों के लिए हम लोग दा का यूज नहीं करते। क्यों? इट इज वन ऑफ द रीजन। इसको हम सेकेंड, इसका थर्ड पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे आपको कि हम इनके पहले दा का यूज क्यों नहीं करते। इनके पहले जावा, सुमित्रा, अभी दो वर्ड्स और आपको एक्सप्लेन कर जाएंगे। तो इतना तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं जो दा है उसको लोग प्लेन्स के लिए, ट्रेन्स के लिए, एरोप्लेन के लिए और शिप्स के लिए भी आप यूज करते हैं। कैनल्स की बात करें तो अगर हम बात करेंगे द सू कैनल, ठीक है, द सू कैनल, तो सू कैनल एक कैनल है, इसके लिए हम लोगों ने दा यूज किया है। द मकालो, मकालो एक एरोप्लेन का नेम है, इसके लिए हम लोगों ने दा यूज किया है। अगर हम बात करते हैं शिप द विक्टोरिया, द विक्टोरिया, द टाइटेनिक, इन सब के लिए हम लोग दा यूज करते हैं। ट्रेन के नाम के पहले हम लोग भी दा यूज करेंगे, कैसे, जैसे हम बात करें द राजस्थान ट्रेन, द राजस्थान एक्सप्रेस या राजधानी एक्सप्रेस, ठीक है, जितनी भी ट्रेन के नाम है, ठीक है, द साबरमती एक्सप्रेस, लखनऊ एक्सप्रेस, निजामुद्दीन एक्सप्रेस, इस प्रकार से जो भी है उनके लिए हम लोग दा यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं बिफोर नेशनलिटी, नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड, जिस वर्ड से हमें राष्ट्रता के बारे में बात की जा रही है हमारी, तो हम लोग वहां पर भी दा का यूज करेंगे। नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, तो द एशियन हो गया ना, एशियन यानी कि यहाँ ये बताया जा रहा है कि ये लोग एशियन से रिलेटेड है, ठीक है, द इंडियंस यानी कि भारतीय हो गए, ठीक है, द ऑस्ट्रेलियन, द जैपनीज, द चाइनीज, इनके लिए हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं ना। लेकिन अगर हम एक बात याद रखना, लेकिन अगर हमें एक ही बंदे के बारे में स्पेशली बात करें तो हम लोग दा का यूज नहीं करेंगे, तो हम लोग ए और एन के बारे में बात करेंगे। जैसे मैं कहूँ कि मैं एक चाइनीज बंदे से मिला, तो आई मेट अ चाइनीज कमर, ठीक है, अब मैंने बोला कि मैं एक भारतीय हूँ तो क्या बोलूँगा, आई एम एन इंडियन, वहाँ मैं ये नहीं बोल सकता आई एम द इंडियन, ठीक है, याद रखना वहाँ द, जैसे अभी मैंने बोला द इंडियन, तो आपको आई नजर आए तो यहाँ पर द इंडियन भी हो सकता है, लेकिन वो गलत होगा, ठीक है, यहाँ हमको बोलना है आई एम एन इंडियन। तो बता देना जब हम किसी एक बंदे के बारे में बात करें तो वहाँ ए और एन के यूज कर लिया जाता है, जब हम पूरी नेशनलिटी के बारे में बात करेंगे तो वहाँ दा का यूज कर लिया जाता है। ठीक है, चलिए अब जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सेवन नंबर पे बिफोर रिलीजियस बुक, अब जितनी भी रिलीजियस बुक्स हैं उनके लिए भी हम लोग दा का यूज करने वाले हैं। जैसे हमने बात की द गीता, ठीक है, द पैराडाइज लॉस्ट, द बाइबल, द कुरान, ठीक है, द महाभारत, इस तरह की जितनी भी किताबें जो रिलीजियस से रिलेटेड हैं, जो हमारे धर्म से रिलेटेड हैं, ठीक है, हम उनके लिए भी दा का यूज करते हैं। ठीक है, आगे बात करें हम, अब यहाँ दिए हुए बिफोर डायरेक्शन, अब जो भी डायरेक्शन है उनके लिए भी हम लोग दा का यूज करते हैं, जैसे द ईस्ट, ठीक है, द ईस्ट हो गया, द वेस्ट हो गया, द साउथ हो गया, द नॉर्थ हो गया, इन सभी के लिए हम लोग दा का यूज करें। बट लेकिन एक बात याद रखना, जब हम इन डायरेक्शन के बाद, ठीक है, इन डायरेक्शन के बाद किसी जगह का नाम जोड़ देते हैं तो वहाँ दा का यूज नहीं होगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है द वेस्ट बंगाल, तो गलत, वहाँ वेस्ट बंगाल कहना सही होगा, द वेस्ट बंगाल कहना सही नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ रहा हो। आप लोग इतना पॉइंट लिख लीजिए, और या तो आपको स्क्रीनशॉट लेनी है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और बाकी मैं आपको फिर आगे एक्सप्लेन करता हूँ।